के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार ही दो दो बार धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, और इसी शर्म के कारण वो कल दिल्ली में आयोजित G20 पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसमें शामिल नहीं हुए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। भारत ने हाल ही में 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले संगठन की अध्यक्षता जो है वो संभाली है और अगले सितंबर 2023 में शिखर सम्मेलन जो है वो भारत में ही होगा। इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार यानी कि कल बैठक बुलाई थी और तमाम विपक्षी दलों की ये बैठक थी जिसमें कि वो 1-to-1 विपक्षी नेताओं से बातचीत करते नजर आए। कौन नहीं आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में? सब आए, ममता बनर्जी से लेकर मल्लिका अर्जुन खड़गे तक नजर आए इस बैठक में। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शिरकत करने नहीं पहुंचे और ना ही कोई RJD का नुमाइंदा भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचा। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद सह बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि CM नीतीश कुमार किस मुंह से जाते बैठक में। शर्म के कारण नीतीश कुमार जो हैं वो PM मोदी की इस सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे। दरअसल उन्होंने BJP को दो बार धोखा दिया है, इसलिए नीतीश कुमार जो है उस बैठक से दूर। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार ही दो दो बार धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, और इसी शर्म के कारण वो कल दिल्ली में आयोजित G20 पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसमें शामिल नहीं हुए। उनको हिम्मत नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी से आके विचार कर सके, उनसे नजरें मिलाकर बात कर सके। आखिर वही नहीं, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह वो भी उस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। राष्ट्रीय जनता दल का भी कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी नजरें चुरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया तो क्या मुख्यमंत्री जी अब आप प्रोटोकॉल के तहत अगर प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा होगा तो आप एयरपोर्ट पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ये भी बताएं कि G20 को लेकर पूरे देश में 200 से ज़्यादा कार्यक्रम होने वाले हैं, इसमें बिहार के अंदर भी मार्च माह में कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम में शरीक होंगे कि नहीं होंगे, उस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, या उसका भी बहिष्कार करेंगे? इस प्रकार की राजनीति का बिहार को नुकसान होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा, ठीक आपने धोखा दिया, आपको शर्म आती होगी, आप नजरें चुरा रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर कोई सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, कोई मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते हैं, तो आपको उसमें अवश्य जाना चाहिए था। यहाँ तक कि श्री अरविंद केजरीवाल, श्री स्टालिन, श्रीमती ममता बनर्जी जो नरेंद्र मोदी जी के धुर विरोधी हैं, ये लोग भी बैठक में शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि वो G20 के लिए आयोजित बैठक में भाग ले। नीतीश कुमार मोदी जो हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से CM नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि जानबूझकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि अगले साल सितंबर महीने में G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो भारत में होगा और इसी को लेकर PM मोदी जो हैं वो सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई थी और एक एक कर राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से मिले। इसमें कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे से लेकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल तक शामिल रहे। कार्यक्रम की जो तस्वीर सामने आई उसमें मोदी के साथ इन नेताओं के हल्के फुल्के फल साझा करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन कोई नहीं गया तो JDU का कोई नुमाइंदा और RJD का कोई नुमाइंदा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।